हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एब्स्ट्रैक्ट पोर पेंटिंग बनाऊंगी विद मास्किंग टेप, और जिसमें मैं अपनी मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करूंगी और डिफरेंट कलर्स यूज़ करूंगी, जिसमें ऑयल पेंट भी यूज़ होगा, फैब्रिक पेंट भी, और ग्लास पेंट भी, और एक्रेलिक पेंट भी। तो इसके लिए मुझे पहले एक लार्ज साइज़ में कैनवस चाहिए, जिसका साइज़ है 24x30। अब ये मैंने लार्ज साइज़ में कैनवास लिया है, ऑलमोस्ट 24x36 साइज़ है इसका। और अब मैं इसको लाइन अप करूँगी जिस डिज़ाइन में मुझे चाहिए, मैं उस तरह से पेंसिल के साथ इसको लाइन अप कर दूँगी। और याद रहे कि पेंसिल आपने बहुत हल्की यूज़ करनी है, मुझसे ये थोड़ी डार्क यूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इस पे पेंट जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ गया। ऑयल पेंट मैंने यूज़ किया है डायरेक्ट लाइंस के ऊपर, और ताकि बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर में हो। और इसके ऊपर मैंने ये अभी मास्किंग टेप भी पेस्ट कर ली है, जहाँ जहाँ मैंने लाइन्स लगाई थी उधर उधर मैंने मास्किंग टेप लगा दी है। और अभी ये मैं ब्लू कलर में ऑयल पेंट रेडी किया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने टर्पेंटीन ऑयल भी यूज़ किया है, ताकि ईज़िली मैं इसको बैकग्राउंड पे पेस्ट कर सकूं और एक अच्छी सी इसकी सरफेस रेडी हो जाए। अभी मैं फुल कैनवास के ऊपर पहले इसको अप्लाई करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी। ब्लू ऑयल पेंट मैंने फुल कैनवास के ऊपर इसी तरह से अप्लाई किया है रफली, और अब मैं ये फैब्रिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ब्लू कलर और लाइट ब्लू कलर लिया है, इन दोनों को मिक्स करके मैं फुल कैनवास पे यूज़ करूँगी, जिससे इसकी एक सरफेस अच्छी सी इसकी एक शेप आ जाएगी। मतलब आप ये देखें, इसके साथ वाला जो पोर्शन है वो कितना अच्छा उसके ऊपर एक लुक आ गया है। और इसके ऊपर भी दोबारा मैं एक और कोट करूंगी ऑयल पेंट के साथ, जो कि एब्स्ट्रैक्ट लुक आएगी उससे, और उसी में पोर भी एडिटिंग हो जाएगी साथ में।
ये देखिए फुल कैनवास के ऊपर मैंने यूज़ कर लिया है फैब्रिक पेंट और ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं इसके ऊपर करूँगी, इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फिर इसके ऊपर मैंने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अब ये देखिए ये फुल कैनवास के ऊपर मैंने फैब्रिक पेंट यूज़ कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ ऑयल पेंट, ठीक है। ऑयल पेंट पे मैंने थोड़ा सा टर्पेंटीन ऑयल डाल के इसको ज़रा पतला कर दिया है और इसके लिए आप स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं और आप ख़ुद भी फूंक मार के भी इससे कलर को फैला सकते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा कलर जो है वो मैं कैनवास के ऊपर इस ब्रश की मदद से गिराऊंगी और आप उसको हल्का हल्का फूंक भी मार के फैलाएंगे या फिर स्ट्रॉ की मदद से भी उसको फैला सकते हैं या ड्रायर भी यूज़ किया जा सकता है इसमें, हेयर ड्रायर। ये देखिए अभी मैंने इसमें लाइट कलर डाला है ब्लू में, आप हल्का सा वाइट मिक्स कर दें तो ये कलर बन जाएगा। और इसके साथ ही मैं डार्क ब्लू भी ऐड कर दूंगी और ये दोनों कलर्स जो हैं आपस में मिक्स करके मिक्स हो के एक अच्छी सी इसमें एब्स्ट्रैक्ट लुक आ जाएगी।
देखें कितने अच्छे शेड्स आ रहे हैं इसमें, और यही सब मैं जो है फुल कैनवस पे भी इसी तरह ही करूँगी। डायरेक्ट भी कप पोर कप टेक्निक के ज़रिए भी डायरेक्ट किया जा सकता था, लेकिन चूंकि मैंने इसमें मास्किंग टेप यूज़ की है, तो मास्किंग टेप के लिए समझें कि ये हर ब्लॉक के लिए मुझे अलहदा से इसमें एब्स्ट्रैक्ट पोर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट करती तो जब मास्किंग टेप ऊपर से हटाते तो वो नीचे एक ही शेप आती, लेकिन ये हर पोर्शन के लिए एक अलहदा से लुक लानी थी, इसलिए मैंने इसमें अलहदा अलहदा एब्स्ट्रैक्ट पोर जो है वो मैंने ऐड किया है। अभी देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया है, और अभी इसको मैंने ड्राई होने के लिए एक दिन छोड़ देना है, और ड्राई होने के बाद इसके ऊपर से मैं स्कॉच टेप उतारूँगी। और स्कॉच टेप उतारने के बाद नीचे जो वाइट बैकग्राउंड था उस पर थोड़ा थोड़ा कलर फैला हुआ है, वो इसलिए कि मैंने स्टार्ट में ये कैनवस के ऊपर चूँकि ये पेंटिंग बनाई गई है, तो कैनवस के ऊपर कैनवस का जो अपना कलर होता है वो प्योर वाइट नहीं होता, तो इसलिए मुझे उसको वाइट लुक देने के लिए कलर करना पड़ा था, जो कि मैंने किया इसके ऊपर, लेकिन कलर करने की वजह से टेप जो है वो अच्छी तरह से पेस्ट नहीं हुई कैनवस के ऊपर। अगर ये पेंटिंग मैं किसी पेपर के ऊपर करती तो उसके ऊपर मुझे पेंट करने की ज़रूरत ना पड़ती और नीचे का पोर्शन जो है वो बिल्कुल साफ़ होता, लेकिन कैनवस चूँकि एक मार्किन होती है, कपड़ा होता है, तो उसके ऊपर वो अच्छी तरह से पेस्ट नहीं हुई स्कॉच टेप, तो इस जिसकी वजह से ये कलर फैल गया है, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं इसको भी अभी ठीक करने का तरीका बताती हूँ कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। अब नहीं बुराइयाँ शराइयाँ करती होती हैं वो की। ये देखें अब मैं इसके ऑपोजिट साइड पे मास्किंग टेप जो है वो मैं लगाऊंगी इस तरह दोनों साइड पे, वाइट वाला पोर्शन जो है वो मैं इसको नेकेड छोड़ूंगी और इसके ऊपर मैं फिर वाइट पेंट जो है वो यूज़ करूँगी। इस तरह से ये होगा कि जो दरमियान का वाइट पोर्शन है वो भी साफ़ हो जाएगा और साइड की जगह तो ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है तो वो ख़राब ही नहीं होगी। कि देखें बग़ैर ऑयल यूज़ किए मैं पेंट डायरेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, और जिससे ये है कि वो टोटली नीट हो जाएगा
और जब मास्किंग टेप मैं हटाऊंगी तो नीचे जो ख़राब उसकी जगह थी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए मैंने अब फुल कैनवास के ऊपर ऐसे कर दिया है और अब मैं मास्किंग टेप हटा रही हूँ और बाकी तो सब ठीक हो गया, लेकिन दूर दूर अगर थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स हो गई या फैल गया तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ब्रश की मदद से उसको क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी ब्रश के साथ ब्लू पेंट एंड वाइट ऑयल पेंट यूज़ करके मैंने उसको क्लियर किया है। और ये देखिए मैं अब पेंटिंग रेडी हो चुकी है और मैं इसके ऊपर शाइन के लिए वार्निश भी यूज़ करूँगी एंड ग्लास पेंट, ट्रांसपेरेंट ग्लास पेंट जो है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट कोट जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास पेंट का यूज़ किया है और इसके बाद मैं आपको वार्निश बनाने का तरीका बताती हूँ, आप वो अप्लाई करें उससे एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है कैनवस पे। ये देखें ये फर्नीचर वाली वार्निश है और इसमें मैं थोड़ा सा टर्पेंटीन ऑयल डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फुल कैनवस पे मैं अप्लाई करूँगी। ये देखें आप फ़र्क देख रहे हैं कितना अच्छा इस पे शाइन आ रहा है और इससे आपका कैनवस भी थोड़ा मज़बूत भी हो जाता है और एक अच्छी सी लुक भी आ जाती है, आपको ऊपर ग्लास फ्रेम लगाने की आई थिंक ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऑलमोस्ट लोग पूछते हैं कि कौन सी वार्निश यूज़ की जाए या पेंटिंग के ऊपर शाइन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आई थिंक सबसे बेस्ट जो है वो यही फर्नीचर वाली वार्निश है जिसमें आप ऑयल डाल के मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं और उससे एक बहुत अच्छी सी लुक आती है। और अभी मेरी पेंटिंग रेडी हो चुकी है। होप यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।